हेयर जो मेरा वीक था तो अभी ये मेरा ओरिजिनल हेयर है। बर्थडे गर्ल इज हियर। सो अभी हम लोग यहाँ पे बर्थडे मनाने आया है। ये आपका लोकेशन है, आपका गैंगटॉक पे है, गैंगटॉक सिटी पे, और ये आपका होटल का नाम है रामाडा बोल के। तो हम लोग ने अपना बर्थडे स्पॉट ये रामाडा पे ही चुना है क्योंकि गूगल पे इसका रेटिंग बहुत अच्छा था, रिव्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो हम आया है, मेरा फ्रेंड आया है और ये तो मेरा सिस्टर आया है। तो ये है यहाँ का व्यू, आपको हम तो थोड़ा देर में ही बताएगा। और ये है आज का मेरा बर्थडे आउटफिट, आपको हम बाद में दिखाएगा बर्थडे आउटफिट। एंड अभी तक यहाँ पे मेरा डेकोरेशन चल ही रहा है, यहाँ पे हम लोग डेकोरेशन करने के लिए बोला था, आपको दिखाएगा यहाँ से। तो अभी तक मैम लोग मेरा बर्थडे डेकोरेशन कर ही रहा है क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा अर्ली आ गया क्योंकि हमको जल्दी आके अच्छा अच्छा फ़ोटो लेना था डे लाइट। सबसे पहले तो ये आप लोग को हम होटल का व्यू दिखाएगा। होटल का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा है, इतना ज़्यादा प्यारा है, हमने बहुत ज़्यादा अच्छा लोकेशन चॉइस किया है, आप लोगों को दिखाएगा यहाँ से। आप ये देख सकते हैं पीछे में, ये है पूल, स्विमिंग पूल, और आगे से भी आप लोगों को दिखाएगा। सो मेरा बर्थडे केक भी आ गया, अभी आप लोगों को हम यहाँ का डेकोरेशन को दिखा रहे हैं। मेरा बर्थडे डेकोरेशन बहुत ही सिंपल से किया। सो ये है कम्प्लीट मेरा बर्थडे डेकोरेशन हो गया, आप देख सकते हैं। यह हैप्पी बर्थडे और दिस वन केक, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल वाला केक आपका चॉइस किया है। कटिंग करने जा रहा है तो यहाँ पे आ जाओ, अभी उन्होंने केक कटिंग कराया क्या देखिए। केक कटिंग हो गया और अभी हम लोग केक खा रहे हैं, और बहुत सारा था केक इसलिए हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ का स्टाफ लोग को दे लिया। तो अभी हम लोग थोड़ा फोटो शूट करेगा, इसका हम लोग कुछ डिलीशियस से खाने के लिए यहाँ पे मंगाया है, तो आप लोग को हम लोग उसको भी दिखाएगा। ये हम लोग फर्स्ट टाइम टेस्ट करने के लिए जा रहा है, ये न्यू इस लोग का कुछ है ना, यहाँ का स्पेशल वाला है, तो हम लोग उसको अभी ट्राई करने जाएगा। और इससे पहले हम थोड़ा चेंज भी कर लेगा, इसका फिर आप लोग को मिलेगा। सो हाय गाइस अगेन। सो अभी हम फाइनली ड्रेस चेंज कर दिया, वो मेरा बर्थडे वाला ड्रेस था एक्चुअली, इसको हम पहनने वाला था मेरा बर्थडे पे, लेकिन इसका कलर हमको थोड़ा सा इतना पसंद नहीं आया तो इसलिए हम वाइट कलर को चॉइस किया था। लेकिन वाइट कलर में अभी इतना मोटी लग रहा था, वट एवर, लेकिन केक तो कटिंग हो गया एंड आई एम सो हैप्पी। एंड इतना सारा मेरा दोस्त, मेरा फैमिली मेम्बर लोग इतना प्यारा प्यारा विशेस भेज रहा है, वो सब के लिए थैंक यू सो मच। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है आप लोगों को जैसे कि बताया कि हम आउटडोर बर्थडे आके मना रहे हैं, ये वर्डिट वाला बर्थडे है सच में। अपना बहन का साथ आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और साथ में मेरा फ्रेंड भी है, कैमरा साइड है वो कैमरा में बिल्कुल आने का मन नहीं होता है इसलिए उसको कैमरा में नहीं ले रहे। एंड वी आर सो हैप्पी, सो एन्जॉइंग राइट नाउ, एंड चीयर्स टू माई बर्थडे। तो गाइस आप लोगों को कमेंट करके बताओ, हम शॉर्ट हेयर में ज़्यादा अच्छा है ना लॉन्ग हेयर में, और पहले हम लॉन्ग हेयर पहना था, वो लॉन्ग हेयर जो मेरा वीक था तो अभी ये मेरा ओरिजिनल हेयर है। ठीक है, तो अभी हम लोग केक को कटिंग कर लिया, एवरीथिंग कर लिया, अभी हम लोग थोड़ा एंजॉय कर लेगा, ऐसा हम लोग थोड़ा फोटो शूट करेगा। और गाइस आ गया खाना, ये आपका लैम है, ये आपका फिश है शायद, और ये आपका चिकन ब्रेस्ट है, और ये आपका प्रॉन है, और ये सब आपका सॉस। ये आपका प्लेटर लग गया, लेट्स ट्राई दिस, एक्सक्यूज मी, मेरा हेल्थ खराब है थोड़ा सा। ये आपका फिश है, अच्छा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
मतलब ओनली वन वन स्लाइस है, स्लाइस का हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है ये, बट आई थिंक दिस वन इज लैम। लैम वाला कबाब बटर में मैरिनेट करके ठीक ही है, और आई थिंक दिस वन इज चिकन, दिस वन इज चिकन मुर्गी बोन एंड दिस वन इज प्रॉन। प्रॉन बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको जस्ट और आपका ओवन में शायद रोस्ट किया है। सबसे अच्छा लैम वाला कबाब प्राइस रेंज का हिसाब से बोलेगा तो ये बिल्कुल वर्थ नहीं है, बट ट्राई तो कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग उसको जल्दी से फिनिश कर लेगा, फिर आप लोग से मिलेगा। तो अभी हम लोग बर्थडे पार्टी मना के निकल गया होटल से। अभी हम लोग थोड़ा फिर से कल हम लोग निकल रहे एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश गिर रहा है, तो इसलिए हम लोग रास्ता ब्लॉक होने का चांसेस है बोला, तो इसलिए हम लोग कल ही निकल रहेगा। हम लोग सोचा था कि 5 तारीख को यहाँ से निकलेगा, लेकिन इतना हैवी रेन है और आपका रास्ता में भी बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है बोला, तो इसलिए हम लोग कल ही निकल जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गया, हम लोग का 8 बजे तक का प्लानिंग था, लेकिन न्यूज़ मिल गया था, हम लोग को बता दिया था किसी भैया लोग ने। तो अभी हम लोग यहाँ से शॉपिंग के लिए इसलिए डायरेक्ट निकल गया। सो अभी हम लोग बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, और हम लोग अभी एक नागा रेस्टोरेंट में आया। मेरा सिस्टर को राइस खाना था, हम लोग कल से राइस नहीं खाया, इधर उधर मोमो तुफा ये सब खा पूरा हम लोग बहुत बोर हो गया था। तो मेरा सिस्टर ने बोला कि उसको राइस खाना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आपका MG मार्ग पे हम लोग राइस खाने आया, यहाँ पे एक नागा फ्लेवर बोल के है, तो हम लोग यहाँ पे आया। और आप लोगों को हम कुछ बताएगा, यहाँ पे आते ही हम लोग को ये दिया आपका गर्म पानी। यहाँ पे मौसम ठंडा है इसलिए यहाँ पे वो लोग जैसे कि हम लोग को वहाँ पे आपको नॉर्मल पानी देते हैं, वो लोग नॉर्मल पानी नहीं देता है, यहाँ आने से ही हम लोग को डायरेक्ट से आपका ये आपको गर्म पानी देगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं धुआं भी उतरा है, और ये भी साथ में देगा आपको चाय ये भी गर्म। तो यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, आप लोग को हम व्यू को भी दिखाएगा। ये मेरा सिस्टर पूरा फोटो खींचने में ही बिजी है, तो बहुत प्यारा है ये रेस्टोरेंट भी। तो आप लोग यहाँ पे सिक्किम आने से यहाँ पे आ सकता है, तो हम यहाँ से व्यू को दिखाए। ये है यहाँ का व्यू, बहुत सुंदर है व्यू यहाँ से, और हम लोग का होटल यहाँ से बहुत पास है, वो आगे पे ही है। लोकेशन को देख ही लिया और बहुत प्यारा है यहाँ में। तो अभी हम लोग यहाँ पे मेनू दिया है, अभी हम लोग मेनू को देखेगा मेनू में क्या क्या है खाने के लिए। आइटम चटनी में किंग चिल्ली, ड्राई फिश चटनी, ये आपका थाली सिस्टम, स्मोक फोक थाली विथ यम स्टीम स्मोक फोक शायद। तो हम लोग तो पोर्क ही खाने वाला है और आइडर चिकन खाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारा आइटम है। तो अभी हम लोग यहाँ से मेनू चॉइस कर लेगा। हम लोग डिनर करके फाइनली अपना रूम पे आ गया, अभी रूम पे आके थोड़ा रेस्ट करेगा बहन और हम दोनों। बहन यहाँ पे फोन देख रहा है और अभी थोड़ा रेस्ट करने जाएगा और जल्दी सो जाएगा। तो आप लोग को डायरेक्ट कल सुबह मिलेगा, बाय।